हेलो एवरीवन बेटा, हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो बेसिकली रिमेनिंग कंसेप्ट रह गए जल्दी से उसे कंप्लीट करते हैं, चैप्टर को अलविदा कहते हैं जो भी रह गया। बेटा चैप्टर में करना क्या, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको? बेटा जनरली अगर कोई भी आप कंपनी चला रहे हो, खासकर निखिल एसोसिएशन जैसी, अंबानी टाइप, जियो टाइप है ना, तो क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को? कंपनी को एक डिसीजन लेना है पैसा कहाँ से आएगा, जिसे कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, जो हमने कर लिया उसके फैक्टर्स भी कर लिए कि शेयर से कितना लेना है, डिवेंचर से कितना लेना है, लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म से कितना लेना है वो भी कर लिया। एक होता है डिविडेंड डिसीजन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, है ना। और उसके अलावा एक डिसीजन रह गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ पर लगाएं कहाँ पर ना लगाएं, तो बस ये हमारा पेंडिंग है। इसके अलावा फाइनेंसिंग का दूसरा जो नाम होता है फाइनेंसिंग डिसीजन का, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो भी करा। एक कंसेप्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी था, वो अभी हमने पिछले लेक्चर में करा है। अब बस इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बातें रह गई हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो तरह के डिसीजन होते हैं, शॉर्ट टर्म जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, या लॉन्ग टर्म जिसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल डिसीजन या कैपिटल बेस्टिंग। तो बस ये सारे डिसीजन, ये दोनों डिसीजन और फैक्टर्स रहते हैं मेनली। अब जो डिस्कशन है वो इन्वेस्टमेंट पे है कि कंपनी, जब बड़ी बड़ी कंपनी ये सोचती होगी पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो क्या क्या बातें वो ध्यान में रखेगी, कौन कौन से फैक्टर्स को सोच के कंपनी पैसा लगाएगी। वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने से क्या क्या बातें आप पहले सोचोगे, और फिक्स कैपिटल या जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टिंग डिसीजन कह रहे हैं, वहाँ पर पैसा लगाने से पहले आप क्या क्या बातें सोचोगे। तो जल्दी से डिस्कशन करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, बाकी हम सब कर चुके हैं ऑलमोस्ट चैप्टर का, डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स, ये, और इवन इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या वो भी हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो भी होगी। तो आज इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा फोकस है मेन, कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जितना कर पाएँ उतना मैक्सिमम कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसे कहते हैं? तो सिंपल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है, ये डिसीजन उस चीज़ से रिलेटेड है कि आप पैसे कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, पैसा कहाँ पे लगा रहे हो। इट इज़ कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स फंड इन डिफरेंट एसेट्स सो दैट फंड्स गिव ऑप्टिमम रिटर्न्स। हम पैसा इस तरीके से लगाना चाहेंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। और पैसा लगाते हुए दो बातें सोचनी होती है, या तो पैसा लॉन्ग टर्म पे लगेगा जिसे कहते हैं कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन, बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, एक नई बिल्डिंग खरीद रहे हो, एक नई मशीन खरीद रहे हो, तो वो है कैपिटल वेस्टिंग, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा यूटिलाइज हो जाएगा। और एक होता है डे टू डे कितनी जगह पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। शायद आपने करंट एसेट सुनी हुई हो अकाउंट्स में कि हमारे पे कितना स्टॉक होना चाहिए कंपनी के पास, कंपनी के पास कितना कैश होना चाहिए, कंपनी के कितने डेटर्स होने चाहिए। तो ये जो सारे डिसीजन है ये वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में आते हैं। तो आज मुझे मेनली ये बताना है कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या बातें सोचूंगा मैं कि मेरी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए या कम, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और जब हम लॉन्ग टर्म क्या क्या बातें सोच के मैं एक नई मशीन लेता हूँगा, कि मुझे एक नई मशीन लेनी है या नहीं, मुझे एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं, मुझे एक नई बिल्डिंग खरीदनी चाहिए या नहीं। जब लॉन्ग टर्म पे पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे खुद बताना, जैसे रिलायंस कंपनी ने जियो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जहाँ पे लगभग 1.5 लाख करोड़ लगे या ज़्यादा ही लगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जितने भी ये पैसे लगे, कंपनी ने एक नई सर्विस देनी शुरू करी कि जहाँ पे वो आपको मोबाइल की सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस आपको देना स्टार्ट करती थी। तो कंपनी का जो ये डिसीजन है, कैपिटल वेस्टिंग है, वर्किंग कैपिटल है, आपको क्या लगता है यहाँ पे पैसा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाह रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट होगा या शॉर्ट टर्म के लिए, आपका क्या मतलब? अभी सिंपल डिस्कशन से ही आपको क्या लग रहा है, वेदर इट इज ए कैपिटल वेस्टिंग और वर्किंग कैपिटल? तो मेरे पे काफ़ी बच्चों के, अर्णव, पार्थी, हर्षित, आस्था, सब ने मुझे बच्चों ने एक ही आंसर दिया, कैपिटल वेस्टिंग। तो आज ये डिस्कशन करने, देखो दो तरह के डिसीजन होते हैं, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम कैपिटल वेस्टिंग कहते हैं, और एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लॉन्ग टर्म को हम क्या भी कहते हैं, देखो कैपिटल वेस्टिंग,
ये डिसीज़न ऐसे है जहाँ पे आपका पैसा लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूटिलाइज हो जाएगा बेटा। यही वो डिसीज़न है जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेंगे फिक्स एसेट्स पे। एग्जांपल क्या है इसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना, एक नई एसेट खरीदना, एक नई ब्रांच खोलना। अब बेटा ये दो टॉपिक हैं कैपिटल वेस्टिंग के, बस कैपिटल वेस्टिंग पे तो जल्दी से इन दो पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या। एक तो कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन क्रूशियल क्यों है और कौन कौन से फैक्टर्स कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। पहले ये डिसीजन इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं आपसे खुद पहले डिस्कस करता हूँ, आप येस और नो बताना, तब पता चल जाएगा कि ये क्रूशियल है या नहीं प्रैक्टिकली। बेटा जैसे कि अंबानी जी सोच रहे थे कि मैं जियो में 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करूं या ना करूं, ये डिसीज़न क्रूशियल क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये डिसीज़न। पहली बात, क्या लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व है या नहीं इसमें, क्या इसमें लार्ज कैपिटल वेस्टिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है या नहीं, आप खुद बताओ। बेटा अगर हमें एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदना हो ना 15,000 का, या एक घर खरीदना हो, या एक कार खरीदनी हो 5-10 लाख की कार खरीदनी हो, तो 3 महीने रिसर्च करते हैं कम से कम कि ये कंपनी की कार खरीदूँ, ये कंपनी की कार खरीदूँ। भाई कंपनी 1.5 लाख करोड़ लगा रही है तो क्या वो क्रूशियल है या नहीं। जब जेब से इतना पैसा जाएगा तो क्या कंपनी बड़ा सोच समझ के पैसा लगाएगी या नहीं। इवन क्या कंपनी की ग्रोथ इसी पे डिपेंड है, अगर ये बिजनेस ग्रो कर गया तो कंपनी ग्रोथ कर जाएगी, और ये बिजनेस अगर डूब गया, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, बाय चांस ये प्रोजेक्ट ना चलता तो अंबानी जी के तो हो गए थे, वाट लग गई थी अंबानी जी की। अब लेकिन ये प्रोजेक्ट चल गया तो कंपनी की ग्रोथ भी इसी पे डिपेंड है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व है, बेटा जितना ज़्यादा अमाउंट है क्या रिस्क भी उतना ज़्यादा है। जितने बड़े अमाउंट होते हैं बेटा बड़े प्रोजेक्ट में ही होते हैं, या तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा या लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। बेटा इसी प्रोजेक्ट का नतीजा है कि अंबानी जी आज के दिन फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन बन गया। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आजकल की न्यूज़ है कि अंबानी जी इस समय वर्ल्ड पे कौन से नंबर पे आ गए, फिफ्थ रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड में। इंडिया में तो 1 पे हैं ही और वर्ल्ड में 5th पे आ गए हैं। तो आप ये देख रहे हो कि जो बिजनेस मैन है बेटा, प्रैक्टिकली समझो ना, जो कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन क्रूशियल क्यों है। बेटा बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, पहली बात आप ग्रो करोगे या नहीं करोगे वो इसी डिसीजन पे डिपेंड है। आपका इस प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज़्यादा है बेटा, या तो आपके वारे नियारे हो जाएंगे, मजे ही मजे आ जाएंगे, या लंका डूब जाएगी बिल्कुल ही, भाई घर घर से ही गए। तो देखो बेटा, एक तो फंड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। इन डिसीजन में बहुत ज़्यादा पैसे फंड्स ब्लॉक होते हैं, फिक्स एसेट्स में काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा। तो बड़े ही प्लानिंग के बाद, एक डिटेल एनालिसिस के बाद हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। बेटा प्रैक्टिकली भी कभी किसी बिजनेसमैन से ना डिस्कस करके देखना, उसने अगर 2 करोड़ या 5 करोड़ का भी एक फैक्ट्री लगानी हो ना, वो कितनी रिसर्च करता है, कितना सोचता है वो। आप तो बुक में पढ़ रहे हो ना, आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस बुक में पढ़ा। प्रैक्टिकली ज़रा एक बार किसी बिजनेसमैन से डिस्कस करके देखना, वो कहेगा हाँ बहुत पैसा लगता है, बहुत रिस्क है, मेरी ग्रोथ इसी चीज़ पे डिपेंड है। अगर मेरा बिजनेस सही से चल गया, मेरी फैक्ट्री सही से चल गई, तो मेरे मज़े मज़े आ जाएंगे। ये डिसीज़न आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करेगी। जो आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे आपको फ्यूचर में रिटर्न इसी से आएगा। जियो में शुरू में 2-3 साल में लॉस हुआ था, लेकिन आज के दिन जियो प्रॉफिट में, शायद आपको पता हो, नहीं पता तो घर आके देख लेना एक बार, घर आके थोड़ा बहुत टाइम प्रैक्टिकली स्टडी एक बार, रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, जो बुक में बस कॉपी पेस्ट करते रहते हो अकाउंट्स के, कभी देखना कि क्या जियो को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। और इस डिसीज़न में बहुत अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व है, जिसका रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में ही आएगा, इससे ओवरऑल बिजनेस रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो 3 बातें तो बड़ी इजी है याद रखना यार, बहुत पैसा इन्वेस्ट होगा, काफ़ी रिस्क है, आप ग्रो करोगे या नहीं वो इसी डिसीजन पे डिपेंड करता है, और एक लास्ट पॉइंट क्रूशियल क्यों है ये, वो है इररिवर्सिबल डिसीजन। इररिवर्सिबल डिसीजन का मतलब क्या है बेटा, एक बार ये डिसीजन ले लिया तो आप वापसी नहीं ले सकते। आप मैं आपके लेवल पे बताता हूँ छोटी सी बात। फॉर एग्जांपल आपने ना कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, और आपने उसे फॉर एग्जांपल शुरू में एक टोकन मनी दे देते हैं कि चलो बाकी पैसे तो बाद में दे दूंगा, अब मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो ये आप 5 लाख रुपये रख लो, 5 लाख रुपये रख लो,
बाकी जो पेंडिंग अमाउंट है 45 लाख रुपीज़ में बाद में दे दूंगा। फॉर एग्जांपल कुछ समय बाद आपका मन करा कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं चाहता, तो आपको क्या लगता है वो 5 लाख रुपये वापसी मिल जाएंगे? कुछ नॉलेज है कि आपको क्या लगता है वो 5 लाख रुपये आपको वापसी मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया कि भाई पहले तो मैं खरीदना चाह रहा था, मैंने टोकन मनी दे भी दी और फिर मैं मना कर रहा हूँ जी मैं नहीं खरीद रहा जी, आपको क्या लगता है ऐसा अलाउ है? तो एक ही बच्चे का आंसर आया, शायद उसी पता होगा, नो ऐसा अलाउ नहीं है बेटा। ये डिसीजन इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार ले लिया तो आप वापसी नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस डिसीजन आर इरिवर्सिबल, दैट इज वंस एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फिक्स्ड एसेट्स इट कैन नॉट बी विदड्रॉन विदाउट इनकरिंग हैवी लॉसेस। आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो इसे वापसी आप नहीं कर सकते, आप एक प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वेस्टेज होगी बहुत ज़्यादा फंड्स की। तो पेपर में अगर आए कि ये डिसीजन क्रूशियल क्यों है, तो ये चार बातें लिखनी है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं। लॉन्ग टर्म पे हमने ये डिसीजन लॉन्ग टर्म क्रूशियल क्यों है ये बता दिया। अब जब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते होंगे कैपिटल वेस्टिंग, तो क्या क्या बातें सोचते होंगे मुझे वो समझाना है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। मतलब अब ये सोचना है मुझे पैसा लगाना है, मैं कहाँ लगाऊँ? मुझे पैसा तो लगाना है। अब जैसे आपको पता हो अंबानी जी, अगर आपने अंबानी जी ने अभी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एक नया ग्लासेस लॉन्च कर रहे हैं अंबानी जी, जियो के ग्लासेस आ रहे हैं अगर आपने सुना हो, जिन ग्लासेस का यूज़ करके आप मतलब मीटिंग 3D फॉर्म में भी अटेंड कर सकते हो। एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वो एक नया एक और बिजनेस शुरू कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर वो स्टार्ट कर देंगे। तो जो ये हम नया बिजनेस स्टार्ट करते होंगे, हम जब ये सोचते होंगे कि मैं कौन सा नया बिजनेस करूं, तो मैं क्या क्या बातें सोचता हूँ, क्योंकि बिजनेस बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कहाँ पे पैसा लगाऊँ, मैं क्या सोचूंगा, मैं आपसे पूछता हूँ। बेटा दो प्रोजेक्ट है ए और बी, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये लगेंगे, आज इसमें भी 100 करोड़ लगेंगे, लेकिन इसमें रिटर्न 150 करोड़ का आएगा, 5 साल में इसमें 200 करोड़ का आएगा, कहाँ पे पैसा लगाना चाहोगे, जहाँ पे कैश फ्लो ज़्यादा आता है कम आएगा, क्या आप इस बात को सोचोगे या नहीं? क्योंकि बंदा काफ़ी चीज़ें सोच के एक जगह पैसा लगाता होगा ना, आप कहाँ पे पैसा लगाओगे, जहाँ पे कैश फ्लो इनफ्लो ज़्यादा होगा या कम होगा, जहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा होगा या कम होगा? तो पार्थ, आस्था और पार्थी ने आंसर दिया ज़्यादा होगा। व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट ह्यूज फंड इन एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक रीजनेबल और रेगुलर कैश इनफ्लो आए प्रोजेक्ट से, उस कैश फ्लो को आप बड़ी केयरफुली एनालाइज करोगे कैपिटल डिसीजन लेने से पहले। तो यह कैश फ्लो बेटा जहाँ ज़्यादा आएगा वहीं लगाएंगे। रेट ऑफ रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न एग्जाम्पल दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, ए से प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न 10% आ रहा है, बी से 12 आएगा, मुझे लगता है कि बी से मैं 12% कमा सकता हूँ, सी से 15%, तो कहाँ पे पैसा लगाना चाहूँगे, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आ गए, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आएगा या कम आएगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँगे, ए बी या सी? तो जहाँ पे ज़्यादा आएगा हम सी पे पैसा लगाएंगे, आशा सिमर सब मुझे यही कह रहे हैं पार्थी कि हम सी पे पैसा लगाएंगे। हम कंपेयर करेंगे रेट ऑफ रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से, अगर 10% और 12% की बात हो, 12% में ज़्यादा रिटर्न है तो हम बी प्रोजेक्ट में लगाएंगे। पढ़ना तो बहुत आसान है बेटा, प्रैक्टिकली इसे कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है ना, प्रैक्टिकली जब पैसा लगाना होता है जेब से कि हाँ भाई सही में 5 करोड़ लगना है या 10 करोड़, तब हाथ कांपते हैं हल्के बहुत। बुक में तो पढ़ लो और लिख लो क्या जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही तो गलत होगा। मैं चाहता हूँ एक बार प्रैक्टिकली विजुलाइज करो कि अगर इतना बड़ा डिसीजन अगर अंबानी जी ने लिया होगा तो उन्होंने क्या क्या बातें सोची होगी। उन्होंने ये जरूर सोचा होगा यार आज के दिन मेरा इतना पैसा लग रहा है तो मेरा कैश फ्लो वापसी कब तक आ जाएगा, मुझे रिटर्न कितने % की आएगी। अगर अंबानी जी रिस्क ना लें तो 5-6% इंटरेस्ट तो बैंक भी दे देता है ना, आप इतना रिस्क ले रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी तो चाहिए। और सी पॉइंट आप क्या सोचोगे पैसा लगाते हुए, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, जब आप कहीं पैसा लगाओगे आप कैश फ्लो के साथ रेट ऑफ रिटर्न के साथ ये भी देखोगे कि मुझे टोटल अमाउंट कितना लगाना है। फॉर एग्जांपल समझो रिटर्न तो बी प्रोजेक्ट में ज़्यादा आ रहा है 12%, लेकिन बी प्रोजेक्ट में
बी प्रोजेक्ट में मुझे 1000 करोड़ लगाने हैं और ए प्रोजेक्ट में मुझे 500 करोड़ ही लगाने हैं। खाली मैं रिटर्न को देख के पैसा नहीं लगा सकता, मुझे ये भी देखना पड़ेगा टोटल अमाउंट कितना लगाना है, क्या मेरे पे उतना पैसा है या नहीं। इन एडिशन टू कैश फ्लो एंड रिटर्न देयर आर सर्टन अदर फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या करने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है, मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा वहाँ से। तो बेटा कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन का मीनिंग एग्जाम्पल दो पॉइंट, ये क्रूशियल क्यों है डिसीजन, ये क्रूशियल क्यों है और कौन कौन सी बातें मैं ध्यान में रखूँगा यहाँ पर पैसा लगाने से पहले। ये पूरा का पूरा कैपिटल वेस्टिंग हो गया। उसके बाद जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक वो दे रखा है वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, ये वो डिसीजन है जो आपको डे टू डे वर्किंग के लिए लेने हैं। जैसे डे टू डे में जो मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया था, करंट एसेट्स में कितना पैसा लगाना है, कैश इन्वेंट्री डेटर्स, यहाँ पे ये सोचना है। बेटा ये नोट्स के स्टार्ट में इतना दे रखा है, सुनना एक मिनट जरा बात को ध्यान से, ये नोट्स के स्टार्ट में इतना दे रखा है मैंने। एनसीईआरटी में ऐसे ही डिवाइडेड है, एनसीईआरटी में शुरू में थोड़ा सा कैपिटल वेस्टिंग और ये शॉर्ट टर्म समझाया और बिल्कुल लास्ट में दो कंसेप्ट और दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मुझे अभी आपको कराने हैं। और वो दोनों कौन से हैं, जो लास्ट कंसेप्ट है वो है ये फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। मुझे अभी इस चैप्टर में आपको ये बताना है कि एक फिक्स कैपिटल डिसीजन होता है, एक वर्किंग, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन मैं आपको रिलेशन में बता रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताया, अभी जो कैपिटल इन्वेस्टिंग बताया और उसमें एक था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इसे ही बिल्कुल लास्ट में द्वारा दे रखा है फिक्स कैपिटल डिसीजन और उसके फैक्टर्स, कि जब आप फिक्स कैपिटल डिसीजन लोगे लॉन्ग टर्म पे पैसा लगाओगे तो क्या क्या बातें सोचोगे, और वर्किंग कैपिटल डिसीजन जब आप शॉर्ट टर्म पे कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे तो क्या क्या डिसीजन लोगे। तो अब मुझे जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराना है वो यही है कि फिक्स कैपिटल में क्या क्या बातें मैं ध्यान में रखता हूँ पैसा लगाते हुए, और वर्किंग कैपिटल में क्या क्या बातें ध्यान में रखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे।